पंडित हेमराज जी का जन्म आज से लगभग 110 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत 1955 में तलुम्बा नामक कस्बे में हुआ। ये जगह अब पाकिस्तान में है। आपके पिता संत पंडित कल्याण दास और माता प्रेमा देवी थी। पालन पोषण और शिक्षा नूर शाह मिंट गुमरी में हुई। संत पंडित हेमराज जी का विवाह पार्वती देवी के साथ हुआ और कुछ समय तक आप गृहस्थ आश्रम में रहे, लेकिन संतों की भविष्यवाणी के अनुसार ये स्वच्छंद अवधूत महापुरुष आत्मा 35 वर्ष की अवस्था में आते ही पारिवारिक बंधनों से छूट गई। जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से ऊपर रहता है, उसी प्रकार पंडित जी परिवार में रहते हुए भी प्रभु मस्ती में लीन रहने लगे। वाक सिद्धि भी उन्हें प्राप्त हो गई थी। उनके लिए भेदभाव समाप्त हो चुके थे और लोग उनकी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने लगे थे। 1947 में अपने परिवार और संगत के साथ भारत आए। यहाँ वे पंजाब के लुधियाना शहर में मेला राम स्वर्णकार बगली परिवार के साथ रहे। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश की लंटोरा रियासत के राजा के किले में 2.5 साल निवास के बाद सन 1950 में सपरिवार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आ बसे। जीवन पर्यंत प्रभु मस्ती से सराबोर रहे और 15 सितंबर 1962 ईस्वी तदनुसार भादो मास की 31 प्रविष्ठा को वे ब्रह्मलीन हुए। उनकी समाधि सहारनपुर के ज्वाला नगर में स्थित मंदिर बापू ज्वाला सिंह के प्रांगण में स्थित है। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को उनकी बर्थडे श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है। उनके स्मृति में मेरठ जिले में ओम बापू शरणम पूज्यपाद संत बापू हेमराज जी महाराज के नाम से मंदिर का निर्माण किया गया है, जहां प्रतिवर्ष असोज माह दिनांक 8 प्रविष्ठा को उनका जन्मदिन श्रद्धा पूर्वक हजारों की संख्या में उनके भक्तों द्वारा मनाया जाता है।